दोस्तों क्या कहीं आप भी कंफ्यूजन तो नहीं है कि ठंडी गर्मी बरसात में फ्रिज की जो टेम्परेचर होती है उसकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं? मैं बताऊंगा काफी सिंपल काफी आसान तरीके से। इसे सेटिंग करना भी काफी जरूरी होती है क्योंकि बरसात के दिनों में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ज्यादा कूलिंग करेगी, फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ बनता है, उसे आप कम कर सकते हैं। या फिर गर्मी के दिन है तो बिल्कुल कूलिंग ही नहीं कर पा रही है, उसे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। या फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा काफी सिंपल काफी आसान तरीका। तो कैसे सेट करते हैं फ्रिज के टेम्परेचर को, चलिए चलते हैं फ्रिजर के पास और देखते हैं। तो यहाँ पर है ये हमारी फ्रिज, देखिए के बाद मैं कैमरा जूम करके दिखाता हूँ बिल्कुल नजदीक से। तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो बटन दिख रहा है, और थोड़ी सी क्लैरिटी करते हैं। अभी देखिए अभी बिल्कुल क्लियर, तो अभी देखिए बिल्कुल और क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करनी है आपको, अगर मान लो गर्मी के मौसम है तो यहाँ पर बटन में एक एरो दी होती है, जो एरो आपको देखनी है बिल्कुल ध्यान से, उस एरो को ध्यान से देखनी है। गर्मी के दिन है तो हमें 5 से 6 के बीच में रखनी है बिल्कुल, और अगर गर्मी खत्म हो गई है धीरे धीरे बरसात की मौसम लगती है तो इसको थोड़ा सा आपको डाउन करनी है, 3 से 4 के बीच में रखिए बरसात के दिन में। उसके बाद अगर ठंडी लग गई है उस समय क्या है, इसकी जो लेवल है उसको बिल्कुल आप 1 से 2 के बीच में रखिए। इससे ये होगी कि आपकी जो फ्रीजर है उसमें ज्यादा बर्फ नहीं जमेगी, और ये समस्या नहीं आएगा कि आप किसी चीज को फ्रीजर में रख दिए बर्फ से ढक गई फिर निकल नहीं पाया, ऐसा समस्या नहीं होती है। और साथ ही साथ ऐसे सेट कर लेने से आपकी फ्रिज जो है कंटिन्यू नहीं चलती है, जिससे फ्रिज की लाइफ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और बिजली के बिल में भी थोड़ी सी कमी आती है। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है फ्रिज में जरूर कर ले, बहुत फायदा होती है। मेरे वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली हो, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर लेकर आता हूं मैं इसी तरीके से नई वीडियो जानकारी भरी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में।